दोस्तों, इलेक्ट्रिक शॉक या इलेक्ट्रिक बर्न्स ये बहुत कॉमन है। भगवान ना करे घर में किसी को हो, बट अगर घर में हो जाए तो उस सिचुएशन में घर में ही क्या करना है या कब हॉस्पिटल जाना है, आज बात करेंगे इसी के बारे में। नमस्कार, मैं डॉक्टर जयदीप, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, इलेक्ट्रिक शॉक जो अफेक्ट करता है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है आपके हार्ट को। ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि कितनी देर तक आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगा या उसकी वोल्टेज कितनी ज़्यादा थी। इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से क्या होता है, हार्ट की जो रिदम होती है वो बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस हो जाते हैं। दूसरा, ये जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है वो होती है आपकी मसल्स। यानी सपोज कीजिए, आपकी फिंगर से अगर इलेक्ट्रिक शॉक लगाए या आपके फोरआर्म से लगाए या आपके आर्म से लगाए, तो ये वहाँ की मसल्स को डैमेज कर देता है। अब ये भी इसी चीज़ पर डिपेंड करेगा कि कितना ड्यूरेशन कितनी थी या वोल्टेज कितनी ज़्यादा थी। अगर बहुत ज़्यादा वोल्टेज थी या ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा थी तो ये बहुत ज़्यादा डैमेज भी कर देता है और वहाँ पूरे बर्न्स बन जाते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रिक शॉक इसके अलावा जिस बॉडी पार्ट को इफेक्ट करता है वो होती हैं आपके कान और आपकी आंखें। ये आपके टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को ब्रेक कर सकता है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कान के पर्दे को कहते हैं। हो सकता है ये आपके उसको ब्रेक कर दे और आप सुन ना सकें आगे, या आपकी आंखों को नुकसान पहुंचाए। दोस्तों, ये ब्रेन को भी इफेक्ट कर सकता है। अगर ये ब्रेन को इफेक्ट करता है तो हो सकता है आपको पैरालिसिस हो जाए, या आपकी बॉडी सुन पड़ जाए, या बेहोश हो जाए, या आप कोमा में चले जाए। तो ये सब चीज़ें भी इलेक्ट्रिक शॉक करता है। दोस्तों, अगर बर्न बहुत ज़्यादा नहीं है या आपको खुद ही लग रहा है कि बहुत हल्का सा थोड़ी देर के लिए झटका लगा और फिर वो ठीक हो गया, तो अगर आपको खुद ही महसूस हो रहा है कि डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, जहाँ भी बर्न हुआ है उस जगह को ठंडा कर लीजिए, वहाँ पर बर्फ लगाइए। जो पेन के लिए मेडिसिन हैं, ओवर द काउंटर पेन किलर्स हैं, कोई भी कॉम्बी फ्लेम या कोई भी मेडिसिन ले लीजिए, और उस जगह को अगर थोड़ा बहुत वहाँ पर बर्न हो गया है या हल्का सा जल गया है, तो वहाँ पर कोई भी ऑइंटमेंट लगा के, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगा के, बीटाडीन ऑइंटमेंट लगा लीजिए, सोफ्रामाइसिन लगा लीजिए, उस जगह को कवर कर दीजिए। और एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर आपने पिछले 6 महीने या 1 साल में टिटनेस नहीं लिया है तो एक टिटनेस का शॉट जरूर लगवा लें। टिटनेस वही टीटी का वैक्सीन जो होती है। दोस्तों, बेस्ट तो यही है कि इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगे तो अपनी जितनी भी अप्लायंसेज हैं या जितनी भी चीज़ें हैं उनको बच्चों की पहुँच से दूर रखें, प्रॉपरली मेंटेन करके रखें, घर में प्रॉपर अर्थिंग रखें। जब भी घर बनवाएं या जब भी लाइट की फिटिंग कराएं तो अर्थिंग जरूर कराएं। और अगर बेहोश हो गए हैं शॉक लगने के बाद, या जरा भी सीरियस सिम्टम लग रहा है, या जरा भी लग रहा है कि नहीं डाउटफुल है, तो इमिडिएटली रश करें हॉस्पिटल की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक्स कई बार जानलेवा भी होते हैं। दोस्तों, ये तो थी एक बेसिक सी जानकारी कि अगर इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो क्या होता है और आप घर में इसके लिए क्या कर सकते हैं। अगर आप किसी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और बाकी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। वही बाकी सब 4 लाइनें, ठीक है। इसी के साथ फिर मिलेंगे।